नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट विकास में। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में आज जो है 2.64% का अपसाइड देखने को मिला। 134 पे अभी ट्रेड कर रहा है और सेलर जो है थोड़ा हैवी होते जा रहे हैं बाहर की तरफ। अभी इसमें जो न्यूज़ की बात करी जाए ना, तो एक न्यूज़ आया है उसको मैं कवर कर देता हूँ। निकले जो है NSE के साइट पे कोई न्यूज़ नहीं है, और जब ढूंढा बहुत तो एक ना गूगल पे न्यूज़ मिला, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सेल को बैन कर दिया है आज के। और ये जो न्यूज़ आया सिर्फ इसलिए ना, थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसे आज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बैन कर दिया, तो इनका क्या ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना 95% से ज़्यादा बढ़ चुका था। और अभी जो सेबी का रूल्स है, जिसका भी ओपन इंटरेस्ट है ना 95% से ज़्यादा बढ़ जाता है उसको बैन में कर दिया जाता है। तो सेल को आज देख लीजिए यहाँ पर लिख गया, सेल इज द ओनली स्टॉक दैट इज द पार्ट ऑफ द फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन लिस्ट। तो आज 27 तारीख है, आज ही बैन कर दिया गया है। तो एक न्यूज़ आया था, मैंने वो आपको कवर करा दिया। अब इसमें ना जब 95% से कम, मतलब 85 के आसपास आएगा ना, तब इसको हटा दिया जाएगा बैन की लिस्ट से। अब हम बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स एक रिवर्सल ट्रेंड ले चुका है, और हमने पहले भी यहाँ से बताते हैं कि हमारा एक रेस्पेक्ट है, यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल जरूर मिलेगा। देख लीजिए, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत मिल चुका है। 134 पर भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, 2.5% से ज़्यादा अपसाइड भी है। अब ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा हडल बनाने का प्रयास कर रहा है जो यहाँ पे है। अब क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एक बार इसको ना निकल जाने दीजिए। फिबा में ना हमारा जो दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 145, तीसरा टारगेट रहेगा 150, 150 मतलब 150 रुपये तक का। अब सपोर्ट एरिया क्या बन सकता है, तो अब हमारा सपोर्ट एरिया जो रहेगा 125 के आसपास का देखने को मिल सकता है। एक सपोर्ट एरिया 125 और टारगेट अब जो रहेगा 145 तक का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, और पहला रेजिस्टेंस भी यही रहेगा। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।